भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई रात को है ना गाड़ी ख़राब हो गई थी तिलवाड़ा में और वहीं फंसे हुए हैं, तो पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। कितने इलेक्ट्रिशियन आ लिए, सब कुछ आ लिया, पर गाड़ी का क्या है कि इस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो सिर में दर्द हो गया ना, तो नींद आ रही है। रोड पे खड़ी है गाड़ी बिल्कुल। एक बार दिक्कत करी थी इसने केदारनाथ भी, पर वहाँ तो क्या है कि स्टार्ट हो गई थी और अब बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही। और यह सबसे बड़ी दिक्कत है, जब भी मैं इसको लेके आता हूँ ना बाहर कहीं, तो ये कुछ ना कुछ करती है। और कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि रात को वहाँ से उतरा, वहाँ से उतरते ही मैं चल पड़ा, या मैं तिलवाड़ा पहुँचा हूँ 3:30 बजे के करीब रात को, और चाय पीने के लिए रुका था, और तब से दिक्कत हो रही है ये। भाई बहुत कोशिश कर ली, गाड़ी ठीक नहीं हो रही, लाइट नहीं आ रही, इसमें पता नहीं क्या हो गया, दिमाग खराब हो रहा है कसुत्ते वाला। घर जाना था, बच्चों ने भी स्कूल जाना था कल, और भाई मन ने भी अपनी ड्यूटी पे जाना था। वैसे हमारे वहां तो मैंने सुना है कि बारिश हो रही है बहुत तगड़े वाली, बारिश तो यहाँ भी हो रही थी, अब थोड़े जाके थोड़ा कम हुई है। और देखो नदी है वहां, वहां वो है अलकनंदा बिल्कुल, और इसके इसके साथ में ये मैं रुक रहा हूँ, ठीक है। आवाज भी आ रही है नदी की, बहुत बढ़िया। भाई गोलू आ गया हमने लेने के लिए, तो मम्मी पापा आ रही है, सारे चले जाएंगे। वो गाड़ी है तो मैंने तो आज भी रुकना पड़ेगा यहीं, क्योंकि गाड़ी अपनी रो रही है खराब, सारा सामान उसमें चला जाएगा। आंटी और गोलू दोनों आ रहे हैं लेने। बंद कर दे ले भाई, ये हो गए जाने के लिए तैयार। भाई मेरी आंटी आ रही है और गोलू मौसी, और भाई गोलू आ रहा है लेने, वो रहा या गाड़ी आई है रात को, तो ये चले जाएंगे और मैं इसने गाड़ी का इसका सेटलमेंट करके तब मैं निकलूंगा। चाय तो ले भाई, बैठने शुरू हो गए हैं मम्मी जिया वसु भाई मेरी आंटी और गोलू। ले भाई ये हो गए हैं फिक्स सारे। चलो चलो चलो, तुम तो पहुंचो करा। हो गए भाई सारे पैक, चल पड़े ये भी, मैं रुक गया भाई, ये सारे चले गए अब। भाई मंदाकिनी रिवर इसके साथ में रुक रहे थे मम्मी पापा जिया और भाई उसकी पायल, ये सारे चले गए हैं अभी निकले हैं 7:10 पे, और मौसम आज भी ऐसा ही हो रहा है बारिश का। मैं रुकूंगा जब तक इस गाड़ी का कोई समाधान नहीं होता, अब ये देखता हूँ इसका क्या समाधान होगा। भाई ठीक नहीं हो रही इसका जो BCM, ठीक है वो इसका जो दिमाग होता है ना गाड़ी का, वो ख़राब हो रहा है फिलहाल, इसलिए है ना ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं ले रही। लॉक अनलॉक हो रही है चाबी से, पर जो मीटर है ना उसमें लाइट नहीं आ रही। तो भाई वो देखो अब कब तक पहुंचेंगे, उनको पास बार बार में फोन करना पड़ेगा। भाई आखिरकार यहाँ तो धूप निकल गई है, बिल्कुल मजा सा आ गया। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं देख लो, बिल्कुल हल्के हल्के, नहीं तो सारा मौसम बढ़िया हो गया। और देखो मैंने गाड़ी का बोनट भी खोल दिया है कि भाई थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो सूख जाएगा, क्या पता स्टार्ट हो जाए। भाई मैंने हार नहीं माननी है अब तक, क्या पता भगवान की दया से, ठीक है शिवजी महाराज जी की दया से, केदारनाथ जी की दया से, क्या पता यार ठीक है हो जाए। बस मैं तो जब से यही प्रार्थना करने ला रहा हूँ कैसे भी करके एक बार स्टार्ट हो जाए बस मेरी गाड़ी, ताकि मैं इसमें लेकर चला जाऊँ, क्योंकि जो पार्ट खराब है ना भाई वो बहुत महंगा है, उस महंगे वाली चीज़ ने तो छोड़ दो, अगर वो यहाँ चेंज हो गया ना तो ये लगा लो यानी 2.5 महीने में तो वो पार्ट आ होगा, तो
और गाड़ी बहुत दिन खड़ी रह जाएगी तो मेरे को ना समस्या हो जाएगी। गाड़ी चाहे 6 महीने खड़ी हो जाए पर घर के नज़दीक खड़ी हो जाए ना तो ठीक रहे, इतनी दूर इसने फिर लेना हो या फिर इसका कोई और अरेंजमेंट करो। इस कारण थोड़ा मैं परेशान हूँ, परेशानी ये नहीं है गाड़ी ख़राब होगी, हो जाती है गाड़ी ख़राब, पर मेन मुद्दा ये है कि भाई घर से दूर हूँ बस, घर के नज़दीक होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। पहाड़ भी कितने खुश हो गए धूप देख कर, यानी इनको भी अब धूप लग रही है ना पेड़ों को, तो ये भी बिल्कुल बढ़िया हो रहे हैं। भाई आज वो शाम को चलेगा 7 बजे, तो कल पहुंचेगा मेरे पास और कल होगी फिर ये गाड़ी ठीक। पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ मिल गई हैं तो अब तो वेट कर रहा हूँ कि बस कैसे भी करके गाड़ी ठीक हो जाए। मम्मी पापा और शायद पहुंच गए हैं, उनका फ़ोन नहीं आया है क्योंकि यानी बात हुई थी कम से कम ढाई घंटे पहले, तो वो कह रहे थे कि हम मेरठ के करीब बता रहे थे, तो शायद वो पहुंच गए होंगे। भाई अभी बात करी है तो वो फिलहाल हैं बागपत मोड़ पे, यानी वो चाय वगैरह पीने लग गए, फिर उन क्या है कि हरिद्वार जाने के बाद उनने गंगा स्नान भी कराया है, अब वो फिलहाल हैं बागपत, तो ये लगा लो 7-7:15 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, चाय वगैरह पी रहे हैं क्योंकि जो गोलू है उसने कल रात ने भी गाड़ी चलाई है, आज भी वो 1-1 घंटा रुका था यहाँ और गाड़ी चला के ले गया, तो उसको शायद नींद वगैरह आने लगी तो चाय पिए उसने। तो भाई मैं तो यहीं रुक रहा हूँ, कल आएंगे वो देखते हैं क्या होगा। भाई उसने ना बस अब भी ना मिली, वो है ना वो बस जा रही थी रुद्रप्रयाग की जगह रुद्रनगर, तो वो अब चलेगा कल सुबह 4 बजे और शाम तक वो यहाँ पहुँचेगा। और भाई मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, देखो चरचरा सा खाने का मन कर रहा था जिसमें ज़्यादा मिर्च हो, तो मन ने लिए हैं मोमोज, तो मैं आज उत्तराखंड के मोमोज चेक करूँगा, हिर्रे आज मैं खाऊँगा मोमोज। फिलहाल रात को यहाँ रोड पे घूम रहा हूँ, टीरी 85 किलोमीटर, ऋषिकेश है यहाँ से 145 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग है 8 किलोमीटर। ठीक करने के लिए जो टेक्नीशियन है ना वो रोहतक से फिलहाल ऋषिकेश पहुंच गया है और ऋषिकेश से भी वो चल पड़ा है, तो ये लगा लो शाम तक वो मेरे पास आ जाएगा और कल सुबह या गाड़ी ठीक हो जाएगी, ऐसा अनुमान है कि ठीक हो जाएगी, बाकी पता नहीं है ठीक होगी कि नहीं होगी। तो भाई मैं तो चेतन भाई का शुक्रगुजार हूँ जो मान ले घर से 450 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ और यहाँ उन्होंने मेरे को वो सुविधा दे दी, ठीक है, नहीं तो भाई यहाँ मैंने जिसको भी दिखाई ना उससे गाड़ी ठीक है ना हुई। यहाँ रुक रहा हूँ सामने वाले में और मौसम यानी रात को भी बारिश आई थी और मौसम भाई बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ, तो देखो कैसा बादल हो रहे हैं नीचे, अपने मंदाग्नि शोर कर रही है।